हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो शॉर्ट वीडियो सीरीज है, इसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक के जहां से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। चलो क्विकली रिवीजन करते हैं फिर। तो यहां पर देखिएगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमारे पास कहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो भी पोस्टुलेट्स हैं वो तीन चीजों के ऊपर बेस्ड हैं। कितनी चीजों के ऊपर बेस्ड है? सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये पूरा रिवॉल्व करता है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी स्टेट, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एमिट करता है ना अब्सॉर्ब करता है, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला गया या स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स बोला। स्थायी ऊर्जा कक्ष भी कहते हैं कुछ लोग। आगे बढ़ जाते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तभी एंटर कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स वैल्यू रखे। अगर उससे वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो जाएगी तो दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, कम हो जाएगी तो भी दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा। मतलब जो क्वांटाइजेशन है, यानी और जो भी ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम होता है, इट हैज फिक्स्ड वैल्यूज और उनके बीच में गैप होता है। h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi बीच की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज क्वांटाइजेशन। और थर्ड, अब्सॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन दे देता है, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो डी एक्साइट होगा और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इसके बारे में चलिए वन बाय वन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था इसका? फर्स्ट कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट लूजिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी। बिकॉज यहां पे देखिएगा, वो किसी भी तरह की एनर्जी लूज नहीं कर रहा होता है। बिकॉज ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड फोर्स और इनवर्ड फोर्स दोनों बराबर है। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी नेट फोर्स है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, वो कितना है? बाहर की तरफ तो हमें पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास FcmV2r है, और अंदर की तरफ फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा K Q1 Q2 over r2। कूलम्बिक फोर्स हो जाएगा, दोनों बराबर रख दिए हमने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा बताओ जल्दी से। यहां से आ जाएगा हमारे पास MV2 = क्या आ जाएगा? K। और यहां पर Q1 की वैल्यू कितनी है बताओ? Q1 का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E। और Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? Ze। यहां पर कितना चार्ज है? Z प्रोटॉन से, और एक प्रोटॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है? E। तो यहां से हमारे पास आ गया KZe² / r² और यहां पे कितना है? R। तो जब तक ये वैल्यू सेटिस्फाइड है, इलेक्ट्रॉन कभी भी ना तो हायर ऑर्बिट में जाएगा ना लोअर ऑर्बिट में जाएगा। अगर बाहर का फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, अंदर का फोर्स ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। इसका मतलब वो नया मोमेंटम अटेन करेगा, जिसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन से हम प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम दिखाते हैं। चलिए अब यहां से देखो, आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, नॉन जीरो क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है। तो हमारे पास MV² = क्या आ गया? KZe² आ गया। तो यहां से देखो जरा एक बार, जेई में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया था यहां से आपको कि बताइए काइनेटिक एनर्जी, बताइए काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? KZe² / 2R। कितनी आ जाएगी? KZe² / 2R। भाई हाफ से डिवाइड, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये आ जाती है। ये बात याद रखिएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो इस तरह का एक इक्वेशन को फॉलो करता है, यानी बाहर का फोर्स अंदर के फोर्स के बराबर। कॉमन सेंस भी है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बोलते हैं इसको। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे आएंगे। देयर आर, अब ये आता है बच्चे के दिमाग में, अगर मैं कई बार पूछ लेता हूं, कई बार मैं क्वेश्चंस पूछता हूं कि हाइड्रोजन एटम में कितनी ऑर्बिट्स होती हैं, तो बच्चे बताते हैं एक ऑर्बिट होती है, इनोसेंटली जवाब देते हैं। मतलब आप घर में एक कमरे में रहते हो तो क्या आपके घर में एक ही कमरा है? नहीं ना। वैसे ही हाइड्रोजन एटम में भी क्या होती है? किसी भी एटम में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होती है। ऑर्बिट वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब यहां पे आ जाते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स ओनली वेयर MVR, यानी एंगुलर मोमेंटम NH/2π n=1, 2, 3, 4। इसका मतलब MVR की वैल्यू या तो h/2π हो जाएगी, या 2h/2π आ जाएगी, या 3h/2π आ जाएगी। बीच की वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, समझ गए ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा?
तो याद रखना है MVR की कोई भी वैल्यू कभी भी आपको 1.5h/2π नहीं मिलेगा, 2.5h/2π नहीं मिलेगा, ये बात याद रखनी है। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड है, एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बीच में कोई ऑर्बिट नहीं हो सकती। सीधा सा मतलब यह है कि दो ऑर्बिट के बीच में सफिशियंट गैप रहेगा। आगे बढ़ जाइए, व्हाइल रिवॉल्विंग इन सच ऑर्बिट्स, कौन सी ऑर्बिट में, जहां पर MVR इज इक्वल टू NH बाय 2π हो जाए। तो याद रखिएगा इस इक्वेशन को, जरूर याद रखिएगा इक्वेशन 2। तो यहां से देखो, व्हाइल रिवॉल्विंग इन सच ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह की एनर्जी लूज नहीं करेगा, ऐसी ऑर्बिट्स को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्थायी ऊर्जा कक्ष कहते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स इन बोहर्स एटम। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जंप क्यों करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप क्यों करता है। तो वही चीज बताई गई कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट बाय अब्सॉर्बिंग और एमिटिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन टू स्टेशनरी ऑर्बिट्स। मतलब समझ गए, इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास ई हाई माइनस ई लो। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है तो ई हाई माइनस ई लो के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो फोटोन, यानी एक फोटोन को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा या उल्टा एमिट करके हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो फोटोन का क्या होगा, एमिशन होगा, फोटोन का क्या होगा, एमिशन होगा। अब्सॉर्प्शन के लिए क्या हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन के लिए आ जाएगा ई फोटोन, सेम ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन के लिए ई फोटोन क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा ई हाई, सेम ही रहना है। अब्सॉर्प्शन या एमिशन दोनों में से किसी के लिए भी आप इसे क्या रखोगे, सेम ही रखोगे। अब्सॉर्प्शन के टाइम पे क्या आ जाएगा, एमिट होगा फोटोन, और अब्सॉर्प्शन के टाइम पे सॉरी अब्सॉर्ब होगा फोटोन और एमिशन के टाइम पे एमिट होगा। अगर फोटोन बाहर आ रहा है तो ई हाई माइनस ई लो के बराबर उसकी एनर्जी होगी, और अगर अब्सॉर्ब हो रहा है तो भी ई हाई माइनस ई लो के बराबर होगी। मतलब कोई भी फोटोन, ऐसा कोई भी फोटोन अब्सॉर्ब नहीं हो सकता जिसकी एनर्जी ई हाई माइनस ई लो के बराबर ना हो। दो स्टेशनरी ऑर्बिट के एनर्जी गैप के बराबर अगर एनर्जी नहीं है तो फोटोन क्या होगा, सीधे पास हो जाएगा। वो फोटोन के लिए एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के पास उस फोटोन के लिए कोई जगह नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर देखो, अगर एक्साइटेशन हो रहा है तो फोटोन क्या होगा, अगर एक्साइटेशन हो रहा है तो फोटोन क्या होगा, अब्सॉर्ब होगा, अब्सॉर्ब होगा। और अगर डी एक्साइटेशन हो रहा है तो फोटोन क्या होगा, एमिट हो जाएगा। अगर डी एक्साइटेशन हो रहा है तो फोटोन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। तो एमिशन का मतलब क्या होता है, दोनों केसेस में क्या होगा, फोटोन की एनर्जी ई हाई माइनस ई लो के बराबर ही रखेंगे। ई हाई का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन चला है, ई लो का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, और वाइस वर्सा। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैसे निकालेंगे। हमें पता है MVR इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हमें पता है। MVR इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर ओवर आर, ये हमें पता है। MVR इज इक्वल टू के जेड ई, तो यहां पे हमें पता है NH बाय 2π, NH बाय 2π था, ठीक है ना। MVR देखो जरा एक बार ध्यान से देख लेना, ये सारी की सारी चीजें हमें क्या दिख रहा है, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2π है। और दूसरा हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास के जेड एमवी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, तो दोनों को अपन ने यूज कर डाला। चलिए यूज करते हैं इसे फटाफट से। सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है, दो इक्वेशंस जो हमने निकाली थी उन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे। क्या, एक तो हमारे पास है एमवी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर ओवर आर, इक्वेशन वन, और दूसरी हमारे पास ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। इन दोनों इक्वेशन को हमने यूज किया तो हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू आ जाएगी n स्क्वायर, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू आ जाएगी n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर m k z e स्क्वायर। याद रखना है ये वैल्यू आ जाती है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें कांस्टेंट मसाला की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू आ जाता है 0.529
एन स्क्वायर ओवर जी एंगस्ट्रॉम कितनी आ जाती है, एन स्क्वायर ओवर जी एंगस्ट्रॉम आ जाती है। मतलब रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। ये बात स्टार मार्क करके आप अपने नोट्स में याद रखेंगे, इसी से आपकी बात बनने वाली है। अब चलिए अगर हम कंपैरिजन करें, हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 से ज्यादा क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, उससे ज्यादा क्या हो जाएगी, R3 हो जाएगी, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। ये बात नोट कर लीजिएगा, R इंफिनिटी और भी ज्यादा हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है जो नोट वर्दी है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 Rn इज इक्वल टू R1 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए। यहां पर देखो R1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो Z की वैल्यू तो फिक्स्ड है, N की वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास R1 इज इक्वल टू 0.529 ओवर Z। रखोगे ये वैल्यू तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू एन स्क्वायर, मतलब R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4R1, R3 इज इक्वल टू आ जाएगा 9R1, R4 इज इक्वल टू आ जाएगा 16R1 एंड सो ऑन। ये बात याद रखने की है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, बोहर्स मॉडल का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरे पे आ जाइए, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो Vn इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 2.18 इंटू 10^6, याद रखना है 10^6 Z/N meters per second। ये हमारे पास आ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड। हमें साफ साफ दिख रहा है n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी, मतलब हमारे पास v1 विल बी ग्रेटर देन, v2 विल बी ग्रेटर देन, v3 विल बी ग्रेटर देन .. v इंफिनिटी तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने की जरूरत ही क्या है, उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन ही नहीं बचा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत ही नहीं बचेगी। समझ गए ना आप। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारे पास याद रखना है हमारे पास कि Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/N, Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Z/N। ये बात नोट करनी है। V2 इज इक्वल टू आ जाएगा V1 by 2, V3 is equal to आ जाएगा V1 by 3, V4 is equal to आ जाएगा V1 by 4 and so on। एक बात याद रखेगा, Vn will be inversely proportional to Z। इसका मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी। ध्यान से देखिएगा, Z/N नॉट इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो गलती मत कर देना, कई बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है, मतलब Z बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। ये बात याद रखना है। सेम ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन में वेलोसिटी कम होगी, हीलियम में थोड़ा ज्यादा होगी। एक बात लास्ट में याद रखना है कि V मैक्स इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन एटम में इज इक्वल टू होता है C/137। ये बातें नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, आप सॉल्व कर पाओगे, जेई मेन के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। लास्ट पे आ जाते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, मोशन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी, फिक्स्ड पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बता चुका हूं आपको, KZe²/2R हमने अभी प्रूव किया था, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -KZe²/R। ये कहां से आया, KQ1Q2/R। तो ये हमारे पास माइनस क्या बता रहा है कि ये होल्ड करके रखे हुए हैं। यहां से हमने En निकाल लिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, याद रखना है। यहां से En की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज इक्वल टू -2π² K²e⁴m अपॉन h², और यहां से आ जाता है Z²/N², इतनी एनर्जी आ जाएगी। ये बाहर का मसाला तो कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल है, Z एटम टू एटम वेरी करेगा और N ऑर्बिट टू ऑर्बिट वेरी करेगा, दोनों को हमने बराबर रख दिया, तो मेरे पास En की वैल्यू आ जाती है -13.6
जी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा ये एनर्जी हमारे पास आ जाती है। अब आपको इस रिलेशन को यूज करना है। माइनस क्या बता रहा है? बाइंडिंग एनर्जी है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो ई इंफिनिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो। इसका मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें इनके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बोहर्स मॉडल। अगर आप बच्चों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मुझे समझ में आ गया कि ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस 13.6 जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है। ये इक्वेशन अगर मैं 1 मान लूं तो मेरे पास ई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13.6 जी स्क्वायर। ये आ गया ई टू। वैल्यू पुट करो यहां पे इसकी, देखो इस पूरे मसाले की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से तो मेरे पास ई एन इज इक्वल टू आ जाएगा ई वन ओवर एन स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझे हो? जल्दी से बताओ। मतलब ई टू इज इक्वल टू आ जाएगा ई वन बाय 4, ई थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा ई वन बाय 9 एंड सो ऑन। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ई वन से ज्यादा एनर्जी होगी ई टू, उससे ज्यादा एनर्जी होगी ई थ्री, उससे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी ई फोर एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन की। दूसरी बात हमें समझ में आ गई यहां से क्या, कि ई टू माइनस ई वन विल बी हाइएस्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा ई थ्री माइनस ई टू, उसके बाद क्या आ जाएगा? ई फोर माइनस ई थ्री एंड सो ऑन। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी का गैप कम होता जा रहा है। फॉर्मूले को देख के आपको पता चल रहा है। तो ये ऑसम कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अगर आप एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो 9116300300 पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। बहुत सारे बेहतरीन बैचेस सुपर क्वालिटी स्टूडेंट्स के साथ में अभी ऑनगोइंग है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देर किस बात की है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस हो जाना चाहिए, तभी मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही एक बेहतरीन वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।